इस आदमी ने पैसे पर गोंद लगा दिया, फिर बिल को एंटेना से चिपका दें, इसलिए हत्या का जाल बिछाया गया है। माइक वापस शयन कक्ष में चला गया और गंदे कपड़ों में छिप गया। कुछ क्षण बाद शिकार प्रवेश करता है। फ्री ने एंटेना पर पैसे का पता लगाया है। उसने संदिग्ध स्थान की परवाह नहीं की और तुरंत बालकनी पर चढ़ गया। इस समय माइक शिकार को नीचे धकेलने के लिए बाहर भागा। वह एक अप्रत्याशित मौत पैदा करने में सफल रहा। पुराने दिनों में माइक अभी भी एक युवा व्यक्ति था जिसे धमकाया जा रहा था। उन्होंने माइक की अखबार बिक्री लूट ली। माइक कायर है, इसलिए उसे बस सहना होगा। शायद यह भगवान की इच्छा है। भागते समय माइक की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। उसने सामने वाले घर का दरवाजा झाँक कर खोला। कुछ मिनट बाद उस घर में विस्फोट हो गया, लेकिन वह आदमी सकुशल बाहर आ गया। जिज्ञासावश माइक ने चुपचाप उसका पीछा किया। उसके बाद तो सब कुछ और भी आश्चर्यजनक था। माइक ने 3 हत्याएं देखी और उसने इसे रिकॉर्ड भी किया, लेकिन माइक ने पुलिस को नहीं बुलाया बल्कि हत्यारे से मिलने चला गया। वह पढ़ना चाहता है, क्योंकि वह उन ठगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसे परेशान किया था। सुनने के बाद हत्यारे को बहुत सहानुभूति हुई। हत्यारे ने एक परीक्षण करने का निर्णय लिया। वीडियो की शुरुआत में जिस शख्स को धक्का देकर गिराया गया है, वह गैंगस्टर्स का बॉस है। माइक ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अदरक जितना पुराना होगा उतना ही तीखा होगा। हत्यारे को इस बात के भी सबूत मिले कि माइक ने लोगों की हत्या की थी। माइक को कोई परवाह नहीं है, लेकिन वह बस जल्दी से सीखना चाहता है। हत्यारे ने माइक को हत्या की तकनीक सिखाना शुरू कर दिया, पहले सिद्धांत, फिर हथियारों के साथ अभ्यास, अंत में अन्य छिद्रन कौशल। ऐसा लगता है जैसे माइक का जन्म ही ये काम करने के लिए हुआ है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और बहुत जल्दी सीख जाता है। समय उड़ गया, माइक अब एक शीर्ष हत्यारा है। इस बार का मिशन इस आदमी को मारना है। वह प्रतिदिन समय पर इस स्थान पर पहुंचकर बस का इंतजार करेगा। माइक 5 दिनों से इंतजार कर रहा है। इस बार मौका आ गया है। एक कार तेजी से आगे बढ़ी। माइक ने हवा की गति और समय का सटीक निर्धारण किया। उसने एक गोली चलाई जिससे अगला टायर उड़ गया। कार ने नियंत्रण खो दिया और अपने शिकार से टकरा गई। शिकार की मौके पर ही मौत हो गई। FBI सहित हर कोई सोचता है कि यह एक दुर्घटना है, क्योंकि घटनास्थल पर कोई गोली नहीं है। किसने सोचा होगा कि माइक ने जो गोली मारी थी वह कांच की बनी गोली थी। हत्या करने का सबसे अच्छा तरीका दुर्घटना का कारण बनना है। यह आदमी अभी घर आया है और लाइट चालू नहीं कर सका। शेल्फ पर एक कीमती घड़ी रखी है। इतनी बढ़िया घड़ी यहाँ किसने लगाई? वह उसे पाने के लिए कुर्सी पर चढ़ गया। अचानक मेरे गले में एक रस्सी लटक गई। उन्होंने संघर्ष करने की कोशिश की। इसी समय माइक आ गया। वह आदमी बहुत गुस्से वाला है। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? माइक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे पता है, $25,000। इतना कहने के बाद उस आदमी को फांसी पर लटका दिया गया। घटनास्थल आत्महत्या जैसा लग रहा है। बस पैसे ले लो। माइक को फोन आया कि यह अत्यावश्यक है, और माइक से कहा कि वह खुद जाकर पैसे ले आए। यह उद्योग में वर्जित है। माइक ने ज्यादा नहीं सोचा और तय जगह पर चला गया। लेकिन जिस चीज का उसे इंतजार है वह पैसा नहीं बल्कि एक लड़ाई है। माइक जल्दी से चकमा दे गया। हत्यारा अंतिम छोर तक भागा। कार को घुमाओ। माइक उड़ गया। एक किक ने हत्यारे को कार से उड़ा दिया। वह माइक के पास पहुंचा, लेकिन इसकी तुलना माइक से कैसे की जा सकती है? फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह अभी भी एक अप्रत्याशित घटना पैदा कर रहा है। आधी रात को माइक को एक फोन आया। पूर्व प्रेमिका की 2 लुटेरों ने हत्या कर दी। माइक अंतिम संस्कार में आया और पता चला कि मेरी पूर्व प्रेमिका गर्भवती थी। पेट में पल रहा बच्चा उसका बच्चा है। इससे माइक को बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। आपको अभी बच्चा हुआ है? अभी पैदा नहीं हुआ, पहले ही मर चुका हूँ। माइक ने मामले से संबंधित समाचार देखा। हत्यारे ने अधिक मात्रा में नशीली दवा खा ली और उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ बहुत संयोगपूर्ण है। माइक को अपने करीबी दोस्त से दस्तावेज मिले जो एक पुलिस अधिकारी है। पूर्व प्रेमिका की शव परीक्षा भी बेहद संदिग्ध है। शरीर में बड़ी मात्रा में वेरितास्रम होता है। यह पेशेवर हथियारों का परिचित तरीका है। साबित हो गया कि यह हत्या का मामला था। हत्यारे ने खुद को हत्या और डकैती का रूप दिया। एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा कर सकता है वह माइक मैक है। माइक क्रोधित हो गया और उन दोनों को खोजने के लिए दौड़ा। 2 लोगों के सामने सबूत फेंको। माइक मैक ने भी इनकार नहीं किया बल्कि मौके पर ही स्वीकार कर लिया। यह एक सामान्य खोज है, बस एक पूर्व प्रेमिका। वे माइक को पढ़ाते भी हैं। माइक तुरंत अंदर आया और मुक्कों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। माइक द्वारा माइक मैक को फर्श पर गिरा दिया जाता है। उन दोनों ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। कह रहे हैं कि हम भी तो बस ड्यूटी पर हैं।
आपको मिल्टन को ढूंढना चाहिए क्योंकि खोज उसी ने दी थी। सुनने के बाद माइक भी सहमत हो गया। यदि तुमने यह बात पहले ही कह दी होती तो तुम मुझ पर प्रहार न करते। माइक बॉस से मिलता है और पूछता है कि ग्राहक कौन है, लेकिन बॉस ने उसे चेतावनी दी, ग्राहकों की जांच करना वर्जित है। माइक गुस्से में कहता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि वह कौन है। बॉस भी नाराज है। बार के नीचे स्प्रे बोतल पकड़े और माइक पर निशाना साधें। माइक जानता है कि नीचे एक हथियार है। सहने लायक एक चीज है, नौ अच्छी चीजें मैंने छोड़ दिया। माइक कंपनी के अकाउंटेंट मिल्टन को ढूंढने जाता है। वह जानना चाहता है कि कौन उसकी पूर्व प्रेमिका को मारना चाहता है। हल्की फुल्की बातचीत के बाद मुझे जवाब मिल गया। माइक की पूर्व प्रेमिका एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। उनके पास इस बात का सबूत है कि तेल और गैस कंपनियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। तेल कंपनी के वरिष्ठों ने माइक को कंपनी में काम पर रखा। उसके बाद मिल्टन ने कंपनी के बॉस को बताया कि माइक ग्राहकों का शिकार कर रहा था। बॉस पागल था, उसने पेशे के नियम तोड़े, उसे मरना ही होगा। बॉस ने सभी हथियारों को माइक का पता लगाने के लिए बुलाया। कैमिज, एक बार जब आप राज्य में प्रवेश करेंगे तो आप बेहद चिड़चिड़े हो जाएंगे। हत्या का तरीका बेहद क्रूर है। बंदरों को डराने के लिए, मुर्गियों को मारने की आवश्यकता के लिए उपयुक्त। चीन ने द्वीप राष्ट्र में एक उन्नत तलवारबाजी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लिया। स्नातक दिवस पर उसने लापरवाही से अपने मालिक की हत्या कर दी। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बेत अगली सुंदरता का उपयोग करती है। जब शिकार सबसे कमजोर होता है तो वह उन्हें मार डालता है। बोतल जहर का उपयोग करने में अच्छी है, लेकिन यह काफी घटिया है, इसलिए इसे हर कोई स्वीकार नहीं करता है। लेकिन तरीका उत्कृष्ट है, पत्थर फेंकने और हाथ छिपाने में अच्छा है। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली हैं, ये शीर्ष विशेष बल हैं। उनके तौर तरीके अव्वल दर्जे के कहे जाने चाहिए। जानबूझकर की गई हत्याएं उनके द्वारा नियंत्रित की गईं। इसे सामान्य सड़क अपराध के रूप में छिपाया जाएगा। आखिरी बाला फिनिकी है। वह आमतौर पर फोन बुक निकाल लेता है। प्रत्येक सप्ताह एक व्यक्ति को चुनेंगे और उस व्यक्ति को मार डालेंगे। हत्या करने के उसके सभी तरीके काफी बेस्वाद हैं। उदाहरण के लिए, पट्टियां जहर से दूषित होती हैं। अभी उन्हें एक साथ मिलकर एक व्यक्ति का शिकार करना होगा। वह व्यक्ति माइक है। फिलहाल माइक अपनी पूर्व प्रेमिका से बदला लेने के लिए ग्राहक का नाम ढूंढ रहा है। उन्होंने तेल कंपनी के एक उच्च पदस्थ अधिकारी को पकड़ लिया, माइक के सौम्य संरक्षण ने। उसने कबूल किया कि जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी वह मिल्टन था। वह आपके इनाम पर एकाधिकार जमाना चाहता है, और मिल्टन ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका को मरवाया था। उच्च पदस्थ अधिकारी ने मिल्टन के साथ रिकॉर्डिंग माइक को दी। इस समय माइक मैक ने पीछा किया। उन्होंने पहले उच्च पदस्थ अधिकारी को गोली मारी, फिर अंदर ग्रेनेड फेंको। माइक ने ग्रेनेड को वापस लात मारी। माइक अभी बाहर आ रहा था जब वह बोतल से टकराया। सौभाग्य से माइक जल्दी तैयार हो गया था, और फिर बोतल को लात मारकर फर्श पर गिरा दें। पोशन मास्टर को नष्ट कर दिया गया है। माइक नीचे जा रहा था जब उसकी मुलाकात फिनिकी से हुई। इन लड़ने में अच्छा नहीं है, इसलिए उसे माइक ने मुक्का मारा और बेहोश हो गया। माइक ने आसानी से फिनिकी का नया हथियार ले लिया, पट्टी। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद माइक मकान मालिक के घर गया। सुरक्षा गार्डों से शीघ्रता से निपटे। अब सिर्फ चेन ही बची है। हालांकि उसके पास तलवार है, चेन कठिनाई बढ़ाना चाहती है। माइक से लड़ने के लिए अपने नंगे हाथों का प्रयोग करें। चेन ने कहा कि वह फायदा नहीं उठाना चाहती थी। परिणाम स्वरूप माइक ने उसे एक मैच के लिए हरा दिया। चेन को इसका पछतावा है, वह कटाना की मांग करती है। फिर भी वह माइक को हरा नहीं सकी। आखिरकार उनकी ही तलवार ने उनकी जान ले ली। चेन मर चुका है। मालिक डरा हुआ है, जीवित रहने के लिए पैसे का उपयोग करना चाहता है। लेकिन माइक ने ऐसा कहा, क्या पैसा मुझे खुश कर सकता है? नहीं हो सकता। माइक ने अपनी तलवार उठाई और उसे नीचे गिरा दिया। एक और शख्स है मिल्टन। माइक मिल्टन का असली चेहरा उजागर करने आता है। एल ने रिकॉर्डिंग बॉस को दे दी। नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे। मिल्टन को उसके बॉस ने मुक्का मारा और लगभग उसकी जान चली गई। माइक मिल्टन को पट्टी देता है। वह तुरंत अपने माथे पर लगे घाव से चिपक गया। बॉस भी उसकी मदद करता है। कुछ ही क्षण बाद मिल्टन को जहर दे दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। माइक की बदला लेने की योजना पूरी हुई। इस फिल्म में एक शब्द कहना है, उत्तेजक। जब आप यह फिल्म देखेंगे तो आपको अपना IQ फेंकना होगा। आपकी पसंद फिल्म को बेहद ज्वलंत बना देगी। फिल्म खत्म हो गई है। नमस्ते, फिर मिलेंगे।